एक आदमी अपने घर में खर्चे की बातें करते हैं, फैमिली मेंबर्स एक दूजे के साथ बातें करते हैं। इस सब में बीमार माता पिता का खर्च घर के मेंबर्स में बात होती है। उसी वक्त एक मेंबर पेपर पढ़ता है कि कुछ तो जेनेरिक दवाई की बात पेपर में आई है, वो पढ़ते हैं। सर, मैं आपकी क्या सहायता करूं? मैडम, महंगाई के इन दिनों में दवाई में होने वाले ज्यादा खर्च की वजह से आने वाले पैसों का तालमेल कैसे बिठाया जाए, ये ही समझ में नहीं आ रहा। सर, इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट के नियम के अनुसार जेनेरिक मेडिकल भंडार चालू करने का नियम निकाला है। उसी प्रेरणा से प्रेरित होते हुए हमारे ग्रुप ने ये जेनेरिक मेडिकल की दुकान चालू की है। जेनेरिक मतलब क्या? जेनेरिक मतलब दवाई में रहने वाले केमिकल घटक या कंटेंट का नाम, मतलब क्रोसीन, डिस्पिरिन, एस्पिरिन, ये ब्रांड नेम से बेचते हैं, लेकिन इसके घटक या केमिकल कंटेंट पैरासिटामोल एस्पिरिन है, जो इसका जेनेरिक नाम है। किस किस बीमारियों पर या विकारों पर जेनेरिक दवाइयां हैं? रक्तदाब, मधुमेह, हृदय विकार, मानसिक आजार, मूत्रपिंडित रोग, कर्क रोग, शारीरिक वेदना, ऐसे सभी प्रकार की बीमारियों की दवाई उपलब्ध है। और तो और एंटीबायोटिक्स, एंटासिड, एंटीफंगल, ये भी जेनेरिक में उपलब्ध है। यहाँ तक कि छोटे से बुखार से लेकर कैंसर जैसे असाधारण बीमारी के लिए जेनेरिक दवाई उपलब्ध है। जेनेरिक दवाइयों में और ब्रांडेड दवाइयों में पैसों का कितना फर्क होता है? हमारे ग्रुप के सभी मेडिकल में आपको जेनेरिक दवाइयाँ 10% से 70% सस्ती मिलती है। आप कोई भी रेगुलर मेडिकल में जाके, ओमिविल एक एंटासिड दवाई है जिसकी रेगुलर मेडिकल की कीमत 40 रुपए हो सकती है, और जेनेरिक मेडिकल वाले उतने होने पर भी 20 रुपए का स्ट्रिप्स बेचते हैं। जेनेरिक दवाइयाँ इतनी सस्ती क्यों होती हैं? कोई भी कंटेंट, ड्रग या मेडिसिन का फॉर्मूला बनाते वक्त कंपनी को काफी टाइम और करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। जब पूरी टेस्ट और परमिशन के बाद कंपनी इसका पेटेंट लेती है, पेटेंट खत्म होने के बाद ही कंटेंट या ड्रग का फॉर्मूला मार्केट में ओपन हो जाता है, उसका कॉस्ट काफी कम हो जाता है। लेकिन तब ही कुछ कंपनी उसको ब्रांडेड के माध्यम से बेचते हैं और कुछ कंपनी जेनेरिक के माध्यम से बेचती है। दोनों कंपनियों को दवाई बनाने का खर्च तरीका एक होता है, लेकिन बेचने का तरीका अलग होता है। जैसे ब्रांडेड कंपनी डॉक्टर को एमआर के माध्यम से कॉल करके फिर वो डॉक्टर को कमीशन, गिफ्ट्स, टूर, ऐसा लालच देके बेचते हैं, और जेनेरिक कंपनी वाले बिना मार्केटिंग किए डायरेक्ट मेडिकल के माध्यम से बेचते हैं। और हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि ये दवाई आपको रेगुलर मेडिकल में मिलती नहीं, उनके पास भी मिलती है, लेकिन वो भी एमआरपी से पैसे लेते हैं। वैसे कंपनी जो एमआरपी रखती है, तिरुपति जेनेरिक ग्रुप वाले, उस एमआरपी से नहीं तो उसमें कस्टमर का बेनिफिट हो, इसलिए 10% से 70% डिस्काउंट देके बेचते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर जेनेरिक दवाइयाँ लिख के देते हैं क्या? बहुत से डॉक्टर्स जेनेरिक दवाई लिखते हैं। डॉक्टर की संगठना को केंद्र सरकार के 21 सितंबर 2016 के गजट के अनुसार मेडिकल कंडक्ट 2002 के 1.5 इसी नियम अनुसार डॉक्टर को जेनेरिक दवाई लिखने को कहा गया है। आप भी इस सेवा का फायदा लें और दवाई की कीमत में भरपूर बचत करें। आपने आपका इतना कीमती वक्त देकर सारी जानकारी हासिल की, इसलिए आपका शुक्रिया। और अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए या जेनेरिक के बारे में कुछ भी हो, आपको या आपके दोस्त रिश्तेदार को जेनेरिक मेडिकल चालू करना है, तो आप 8999477132 या 9960333373 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात बताएं, जरूरतमंद लोगों को भी बोले। शुक्रिया।